हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ टीटी के प्रेस्टीज। तो फ्रेंड, ये जो शेयर है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है पिछले कुछ जो डिकेड्स से उसमें, और इसी के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2000 से, 46 रुपीज़ पे था। तो 2000 से लेके अगर हम 2009 का अगर टाइम कंसिडर करेंगे मई तक, तो आप देख सकते हो मई जून जुलाई तक तो बिलो 100 था फ्रेंड्स ये शेयर। और उसके बाद 2009 के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो रैली इसमें देखने को मिली है, इसने अभी तक उसका ऑल टाइम हाई जो है वो 9589 पे बनाया है। फिलहाल ये 9245 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी शेयर से बहुत रिलेटेड बड़ी वाली अपडेट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद इस कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं हम। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे ये न्यूज़ है लास्ट ट्रेडिंग डे का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि टीटी के प्रेस्टीज Q1 पैट सीन अप 355.8 ईयर ऑन ईयर टू 18.6 करोड़ आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि ऑलमोस्ट 355.8% का जो है इसका जो है कि Q1 का जो रिजल्ट्स है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। क्योंकि पैंडेमिक के इम्पैक्ट के बावजूद अगर ये कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, दो प्रीवियस ईयर्स को अगर कंपेरेटिवली हम देखेंगे तो नहीं होगा उतना है, लेकिन फिर भी अगर पैंडेमिक के सिचुएशंस में और दिस 2020 और 21 में अगर ये इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है तो ये बहुत स्ट्रांग कंपनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप कंपनी के बारे में इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका अगर फाइनेंशियल स्टेटस हम देखेंगे इस कंपनी का, तो 2020 का आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, लेकिन 21 का, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 236 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 का नेट इनकम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में, 2019 में, 2018 में बहुत ही अच्छा था, जो कि 263 था ऑलमोस्ट। उसके बाद 150, 115, 92, 111, 133, 113। तो 2012 से यहाँ पे डिटेल्स दिखाई गई है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि किसी भी ईयर में जो है इनका प्रॉफिट या फिर ये निगेटिव में नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग इनका जो है फाइनेंशियल स्टेटस है, बहुत ही अच्छा ये जो है अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की भी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होल्डिंग है 70.41 रुपीज़ पे, जो कि बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है। और उसके बाद और एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मैं आपको इस शेयर के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इसकी इवेंट्स के अंडर है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो शेयर है ये बहुत अच्छा डिविडेंड देता है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, यहाँ पे भी 20, और 2021 जैसे ईयर में भी 30 रुपीज़ का जुलाई 1 को इन्होंने जो है डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है फ्रेंड। तो यही सब डिटेल्स इस पर्टिकुलर जो शेयर को है स्ट्रांग बनाती है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई इसमें एंटर करना चाह रहा है, तो उसने अभी ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस रेंज पे अभी, तो थोड़ा बहुत इसमें जब कंसोलिडेशन आएगा तब आप इसमें शायद एंटर कर सकते हो, लेकिन एंटर करने से पहले प्लीज़ आप आपका खुद का एनालिसिस भी कीजिए। और आने वाले दिनों में अगर मुझे एक्चुअल Q1 का कुछ रिजल्ट मिलता है और जो भी टीटी के प्रेस्टीज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मुझे मिलते हैं, मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा वीडियो के थ्रू फ्रेंड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।